स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी। आज हम देखेंगे एक वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और वहां से क्या रिजल्ट आता है, और उसके बाद हम देखेंगे एक वेक्टर क्वांटिटी को कैसे हम स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं और वहां से क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो यही आज हमारा टॉपिक रहेगा। तो दोस्तों, लेट स्टार्ट। कंसिडर a vector a। सपोज हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है a, एंड एज यू नो दैट जो वेक्टर a है, इसको हम इसका मैट्रिक्स अलग से लिख सकते हैं, इसकी डायरेक्शन सेपरेटली लिख सकते हैं, a कैप से a इंटू a कैप। ठीक है, एंड हमारे पास इस तरह से रियल नंबर है, रियल नंबर सपोज n बी ए रियल नंबर। इज दिस क्लियर? ओके, अब हम इस वेक्टर ए को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, एन इंटू ए। इज दिस क्लियर? इसको हम लिख सकते हैं एन इंटू ए के बदले हम लिख सकते हैं ए इंटू ए कैप, ए इंटू ए कैप। इज दिस क्लियर? यहां पे एन क्या है? इट्स अ नंबर। ए क्या है? इट इज मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर, यानी खाली मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, या वी कैन से इट इज अ स्केलर। ठीक है, तो हम इन दोनों को उसी तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे हम सिंपल अलजेब्रा में हम नंबर्स को, रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, या स्केलर क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, यहां पर भी इसी तरह से हम एन इंटू ए कर सकते हैं, इट विल बिकम एन टाइम्स ए इंटू ए कैप, एन ए इंटू ए कैप। इज दिस क्लियर? सो इट मीन्स दैट डायरेक्शन तो सेम रहेगी, डायरेक्शन कुछ नहीं होगा। इज दिस क्लियर? तो इट मीन्स दैट जब हम एक वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट ए न्यू क्वांटिटी, और ये न्यू क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड, और उसमें एम ए कैप मीन्स डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन भी है। इज दिस क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हम एक वेक्टर को नंबर से, रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट ए न्यू क्वांटिटी, बट दैट क्वांटिटी पजेसेस टू थिंग्स, वन इज मैग्नीट्यूड एंड सेकंड इज डायरेक्शन, जिसमें ये दोनों चीजें होती है उसको कहते हैं वेक्टर। सो जब हम एक वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहां से हमें वी गेट ए न्यू वेक्टर, वी गेट व्हाट वी गेट, वी गेट ए न्यू वेक्टर, हमें वहां से भी वेक्टर ही मिलता है, और वो वेक्टर डिफरेंट होता है देन द गिवन वेक्टर। कैसे? उसका मैग्नीट्यूड होता है डिफरेंट, ठीक है ना, डिफरेंट एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। उसका मैग्नीट्यूड होता है एन टाइम्स, रियल नंबर टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, एंड डायरेक्शन यहां पे दिख रही है हमें सेम है एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर, मगर ये हमेशा सेम नहीं होती है, कभी अपोजिट भी डायरेक्शन होती है। वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है रियल नंबर पे। अब ये रियल नंबर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव? क्योंकि रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, ये रियल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, रियल नंबर्स और कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इज दिस क्लियर? तो यहां पे इसको समझने के लिए यहां पे एग्जांपल दे देते हैं। सपोज लेट्स सपोज यहां पे मान लीजिए एन इज, पहले प्लस टू ले लेंगे, मान लीजिए एन का एक नंबर है एन प्लस टू, और ए हमारे पास एक वेक्टर है, मान लीजिए ये थ्री न्यूटन ड्यू ईस्ट। ये थ्री न्यूटन क्या है? ये है इसका मैग्नीट्यूड, और ईस्ट क्या है? ड्यू ईस्ट, ये इसकी डायरेक्शन है, ए कैप। अब हम एन को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, एन इंटू ए, व्हाट विल यू गेट, व्हाट विल गेट, एन का वैल्यू क्या है? टू प्लस टू इंटू ए, ए के बदले लिखे हैं हम यहां पे ए इंटू ए कैप, ए का वैल्यू क्या है? थ्री न्यूटन, एंड ए कैप किसके बराबर है? ड्यू ईस्ट, ये इसकी डायरेक्शन है। इज दिस क्लियर? ओके, यहां पे इसको हम ब्रैकेट में रख सकते हैं। ओके, टू इंटू थ्री क्या बनेगा? ये बनेगा टू इंटू थ्री, बनेगा यहां पे सिक्स, सिक्स न्यूटन ड्यू ईस्ट। इज दिस क्लियर? तो इट मीन्स दैट जहां पे जब हम एक वेक्टर को पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट ए न्यू वेक्टर whose magnitude is real number times the magnitude of given
वेक्टर एंड डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर. डायरेक्शन यहाँ पे सेम रहती है, नॉट ओनली डायरेक्शन बट ऑल्सो यूनिट्स. जो यूनिट है यहाँ पे भी न्यूटन है इसका यूनिट, गिवन वेक्टर क्वांटिटी का जो यूनिट है न्यूटन है, जो न्यू वेक्टर हमें यहां से निकला है उसका भी यूनिट न्यूटन है, तो यूनिट भी सेम रहता है. एज इज क्लियर. तो इसी तरह से अगर इफ एन इज नेगेटिव, या मान लेंगे माइनस टू ले लेंगे, माइनस टू मान लीजिए यहां पे एन अब अगर नेगेटिव माइनस टू होगा, देन तो उस वक्त एन ए किसके बराबर होगा, एन ए विल बी इक्वल टू माइनस टू टाइम्स थ्री न्यूटन ड्यू ईस्ट. एज इज क्लियर. इसको हम लिख सकते हैं टू इंटू थ्री मीन सिक्स, माइनस सिक्स न्यूटन ड्यू ईस्ट. इसको इस तरह भी लिख सकते हैं सिक्स न्यूटन, ये जो नेगेटिव है इसके साथ रखेंगे नेगेटिव ऑफ ईस्ट, नेगेटिव ऑफ ईस्ट ड्यू नेगेटिव ऑफ ईस्ट. सो नेगेटिव ऑफ ईस्ट का मतलब क्या है, ईस्ट का अपोजिट. व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ईस्ट, इट इज वेस्ट. तो यहां पे लिखेंगे हम सिक्स न्यूटन वेस्ट ड्यू वेस्ट ड्यू वेस्ट. सो ये निकला यहां से एक नया वेक्टर. ठीक है, तो यहां पे देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. यहां पे जब हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं एक वेक्टर को, वो गेट अ न्यू वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज रियल नंबर टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर एंड डायरेक्शन इज सेम एज ऑफ द गिवन वेक्टर. बट हियर व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय अ नेगेटिव रियल नंबर वी गेट अ न्यू वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज रियल नंबर टाइम इज द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर बट डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ द गिवन वेक्टर. यहां पे इसकी डायरेक्शन है गिवन वेक्टर की ईस्ट, यहां पे वेस्ट, वेस्ट एंड ईस्ट और अपोजिट ईच अदर. इज दिस क्लियर टू यू? ओके. सो यहां अब हम इसको कंक्लूड करते हैं. तो फाइनली इससे हमें ये पता चला कि जब हम एक वेक्टर को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट अ न्यू वेक्टर एंड हुज मैग्नीट्यूड इज रियल नंबर टाइम इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर एंड डायरेक्शन इज इधर सेम और अपोजिट डिपेंडिंग अपॉन वेदर द रियल नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव. इज इज क्लियर. तो यहां पे लिखेंगे दस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर इज ए न्यू वेक्टर. एक नया वेक्टर बनता है वहां से बिकम्स ए न्यू वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड is real number times the magnitude of the given vector. Multiplication of a vector यहां पर हम लिख सकते हैं suppose a by a real number suppose n, ठीक है, is a new vector whose magnitude is real number times new vector. हम यहां पे लिख सकते हैं new vector, bracket में लिख सकते हैं n a, is a new vector, okay, whose magnitude is real number times the magnitude real number times यानी कि n times bracket में n times the magnitude of the given vector a. Is this clear? And whose direction is same or opposite to that of A, depending upon whether
n is positive or negative. Is this clear to you? ये इसका conclusion हो गया. तो अगर positive होगा तो same direction रहेगी, और अगर negative होगा real number तो opposite direction होगी as that of the given vector. Is this clear to you? अब हम discuss करेंगे multiplication of a vector by a scalar. अब हम देखेंगे अगर एक वेक्टर को हम स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से क्या हमें मिलेगा. तो कंसीडर अ वेक्टर, मान लीजिए हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है ए. एज नो दैट इट कैन बी रिटन एज ए इंटू ए कैप. इसका मैग्नीट्यूड अलग, इसकी डायरेक्शन अलग लिख सकते हैं. इसी तरह से हमारे पास एक स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है, मान लीजिए एस. एस इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर मीन्स में खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है. अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट विल यू गेट? एस इंटू ए वेक्टर इज इक्वल एस इंटू ए के बदले हम लिख सकते हैं ए इंटू ए कैप. इज दिस क्लियर? और वी कैन राइट एस इंटू ए कैप. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जब हम एक वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं we get a new quantity, और उस quantity का में क्या है, magnitude भी है और direction भी है. This is magnitude and this is direction. Okay? तो इसका मतलब ये हुआ जिस तरह से हम ने देखा कि अगर वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वहां से हमें अगेन वी गेट ए न्यू वेक्टर. ठीक है ना? तो अगर यहां पे भी हम देखते हैं अगर हम एक वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं अगेन वी गेट ए वेक्टर क्वांटिटी. तो वहां से भी वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, मगर वो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? डिफरेंट होती है. ठीक है? उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्केलर टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर एंड डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर. तो यहां पे एक एग्जांपल दे देते हैं हम. फॉर एग्जांपल मान लीजिए वेक्टर ए है, इट इज 3 न्यूटन ड्यू ईस्ट. ओके? अब ये जो स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी, ये ले लेंगे हम 2 kg मास. मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर हमने यहां पे मास ले लिया 2 kg. इज इट क्लियर? किलोग्राम. अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट विल यू गेट? एस ए इज इक्वल टू 2 kg इंटू 3 न्यूटन. इज दिस क्लियर? ड्यू ईस्ट. ये ड्यू ईस्ट क्या है? डायरेक्शन है, ये इसकी मैग्नीट्यूड है. दिस इज द डायरेक्शन ए कैप, दिस इज द मैग्नीट्यूड ए ऑफ द गिवन वेक्टर. ओके? अब मल्टीप्लाई करने पे व्हाट विल यू गेट? 2 इंटू 3, ये नंबर है, ये नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा. 2 इंटू 3 बिकम 6 kg न्यूटन के साथ, ये बनेगा न्यूटन kg. ठीक है? ड्यू ईस्ट. इज दिस क्लियर? सो व्हाट विल यू गेट? विल गेट ए न्यू वेक्टर हुज डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर. जो गिवन वेक्टर हमारे पास है उसकी डायरेक्शन है ईस्ट. जो हमें नया वेक्टर मिला उसकी भी डायरेक्शन है ड्यू ईस्ट. ईस्ट डायरेक्शन है उसकी. ठीक है? तो मैग्नीट्यूड क्या है? इट इज स्केलर टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर. मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर. इज दिस क्लियर? एंड व्हाट अबाउट द यूनिट्स? गिवन वेक्टर के यूनिट्स क्या है? न्यूटन. स्केलर के क्या है? केजी. इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा. ठीक है? तो नया यूनिट जो होगा वो होगा न्यूटन केजी, यानी कि डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द गिवन वेक्टर. इज दिस क्लियर टू यू? तो इसका मतलब ये हुआ, तो यहां पे ये कैलकुलेट करेंगे हम व्हेन या वी कैन से मल्टीप्लीकेशन of a vector A by a scalar S is a new vector whose is a new vector. वो vector क्या मिलेगा हमें? S A. ओके?
whose magnitude is scalar times the magnitude of the given vector and whose direction is same as that of the given vector. मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वैक्टर, जब हम एक वैक्टर को स्केल से मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट ए न्यू वैक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज स्केल टाइम्स, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, स्केल टाइम्स इज मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वैक्टर एंड हुज डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द गिवन वैक्टर. बट वन थिंग इज देयर, वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज द यूनिट. जो यूनिट होगा, यूनिट ऑफ द न्यू वैक्टर, वो होगा डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द गिवन वैक्टर. एज एस क्लियर यू, ये इस तरह से आज हमने ये देखा कि एक वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा वहां से, तो अगर एक वेक्टर को स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से क्या मिलेगा. एज एस क्लियर यू, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स. बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करते हैं. एज एस क्लियर यू, टिल देन गुड बाय.